राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज बीजेपी के नेताओं के पैरों में गिर रहे हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है, उन्हें माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री बीजेपी के नेताओं के पैरों में गिर रहे हैं, दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। दरअसल शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर उन्हें रोका ताकि दिल्ली की जनता का काम न रुक सके। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में अब राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री बीजेपी के नेताओं के पैरों में गिर रहे हैं और दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का ये भी कहना है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था जिससे दिल्ली के सभी काम हो सके, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की सोच साफ लगती है कि बीजेपी के नेताओं के पैरों में गिरकर समस्याओं का समाधान होगा। आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। बीजेपी के नेताओं के पैरों में गिरकर आम आदमी पार्टी ने ये मैसेज दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनके दया दृष्टि पर काम कर सकते हैं। देखिए, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी चीज का स्थायी कोई सॉल्यूशन देने का काम नहीं किया, और जब मैंने ये जो ड्रामेबाजी का विजुअल देखा तो उससे मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि आज जो आम आदमी पार्टी का जो सोच है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल्ली की जनता को कभी भी पसंद नहीं आएगी। आपको चुना गया था, मंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये ड्रामेबाजी के लिए किसी ने आपको चुना नहीं था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की सोच साफ झलकती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पैरों में पड़कर वो सोचते हैं कि समस्याओं का समाधान होगा। ये कुछ नहीं है, इसे ड्रामा है और सीधा सीधा मोदी जी के पैरों में पड़ने के एक तरीके से, ये सिंबॉलिक तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना मैसेज क्लियर किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के चिन्हों पर, उनकी दया दृष्टि पर ही काम कर सकते हैं, उसके बिना उनके काम कोई बसता नहीं। फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीति तेज है और वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ड्रामा पार्टी करार दिया है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरा पर्सन हरीश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।